हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग होस्ट। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिष्टी दही बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। मिष्टी दही बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। इसे हमें अच्छे से बॉयल कर लेना है हाई फ्लेम पे। आप कोई सा भी ब्रांड का मिल्क ले सकते हैं। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ चुकी है। यहाँ पे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे से दूध को बॉयल कर लेना है। दूध जितने अच्छे से बॉयल करेंगे आप, दही उतनी अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैं दूध को 20% रिड्यूस करूँगी, इसलिए मैं 5 मिनट बॉयल कर रही हूँ। तो मैंने 5 मिनट दूध को बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया, क्वांटिटी भी रिड्यूस्ड हो गई है 20%, आप देख सकते हैं। तो अब इसे स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। कैरमल बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक पैन ले रही हूँ और इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर दूंगी और इसे चलाते हुए हमें इसका कैरमल तैयार कर लेना है। फ्लेम को यहाँ पे आपको हाई नहीं करना है। यहाँ पे हमें पानी ज़रा भी यूज़ नहीं करना है। इसी तरह से हमें शुगर को मेल्ट करके कैरमल बनाना है और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो कैरमल नीचे लग जाएगी और कैरमल जो है वो ख़राब हो जाएगा। और फ्लेम को बिल्कुल भी लो ही रखें, हाई ना करें। बहुत ही अच्छे से कैरमल बन के रेडी हो गया है। तो अब इसे स्टेज पर हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून दही ले रही हूँ। ये फ्रेश दही है, घर का जमा हुआ दही है ये। आप चाहें तो मार्केट का भी दही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी देर छन्नी में रख देना होगा ताकि इसका एक्सेस वाटर जो है वो निकल जाए। और यहाँ पे मैं एक बड़ा बोल ले रही हूँ और इसमें दही ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। और इसमें अब हम दूध को ट्रांसफ़र कर देंगे। दूध जो है यहाँ पर गुनगुना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब कैरमल को ऐड कर देंगे इसमें, हम मिक्स करते चले जाएंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है ये देखिए आप। इसे मैं थोड़ा ट्रेडिशनल वे में जमा रही हूँ, तो ये मैं पॉट ले रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप ये पॉट ले, आप कोई सा भी स्टील के बर्तन में भी इसे आराम से जमा सकते हैं। तो अब इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे मैं फॉइल पेपर से रैप कर दे रही हूँ। आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई सा भी प्लास्टिक शीट यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉइल पेपर यूज़ करने से हवा नहीं जाती है और दही जो है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। और अब मैं इसे ढक दूँगी और इसे मैं 7 से 8 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दूँगी। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, आप बाहर आराम से रख दें। आप अगर ठंडी में जमा रहे हैं दही को तो आपको कम से कम ओवरनाइट रखना होगा, बट अभी समर का टाइम है तो 7 से 8 घंटा काफ़ी है। तो चलिए अब दही को चेक कर लेते हैं, 7 से 8 घंटे हो गए हैं। ये देखिए दही जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में, और टेस्ट में भी उतना ही डिलीशियस है। मैं आपको स्पून से भी दिखा देना चाहती हूँ इसका टेक्स्चर, ये देखिए वाओ के पास से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप इस तरीके से बनाइए और अपने फैमिली के साथ इंजॉय करिए मिष्टी दही की रेसिपी। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।